हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रतिमा कुशवाहा मेरे किड्स ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो, और इस वीडियो में आज हम जानेंगे बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले सभी सामानों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है दर्पण या आईना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। ये है कंघी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम। ये है साबुन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोप। ये है बाल्टी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बकेट। ये है मग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मग। ये है दांत का ब्रश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टूथ ब्रश। ये है जीभ छिलनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टंग क्लीनर। ये है दंत मंजन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टूथ पेस्ट। ये है तौलिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टॉवल। ये है केश मार्जक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शैम्पू। ये है साबुनदानी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोप ट्रे। ये है कपड़े धोने का ब्रश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोथ वॉशिंग ब्रश। ये है उस्तरा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजर। ये है दाढ़ी बनाने की क्रीम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शेविंग क्रीम। ये है दाढ़ी बनाने का ब्रश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शेविंग ब्रश। ये है कपड़े धोने का पाउडर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। ये है नल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टैप। ये है बाल सुखाने की मशीन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेयर ड्रायर। ये है शौच का कागज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टॉयलेट पेपर। ये है कचरे का डब्बा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डस्टबिन। ये है गीजर, जिसे इंग्लिश में भी गीजर बोलते हैं। ये है चिलमची, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉश बेसिन। ये है स्नान टब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाथ टब। ये है मुख धवन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माउथ वॉश। ये है फुहारा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शावर। ये है शौचासन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कमोड। ये है कपड़ा धोने का यंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग मशीन। ये है टंगना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हैंगर। ये है इत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परफ्यूम। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।